शतयोजन प्रभास की फिल्म आदि पुरुष देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में। हजारों साल पहले लंका के राक्षस राजा लंकेश ने सृष्टि के देवता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वो ना तो दिन में और ना ही रात में देवताओं या राक्षसों द्वारा मारा जा सकता है, जिससे वो अजय हो गया। दूसरी ओर कई वर्षों बाद अयोध्या राज्य में कौशल के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी राघव की सौतेली माँ से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने बेटे राघव को 14 साल के निर्वासित कर दिया कि उनका बेटा भरत सिंहासन पर बैठेगा। राघव निर्वासन स्वीकार करता है और अपनी पत्नी जानकी और भाई शेष के साथ गोदावरी नदी के पास पंचवटी के जंगलों में निर्जन स्थान के लिए निकल जाता है। लंकेश की बहन राक्षसी शूर्पणखा राघव को अपने साथ विवाह करने के लिए बहकाने की कोशिश करती है और जानकी की जान लेने का प्रयास करती है। अपनी बहन के अपमान के बारे में सुनकर वो राघव और शेष दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक गुर्गे को सुनहरे हिरण के वेश में भेजता है। शूर्पणखा से उसकी सुंदरता के बारे में सुनने के बाद लंकेश जानकी का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ता है। राघव और शेष जानकी को मुक्त कराने और बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात शावरी से होती है, जो उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर ले जाती है। वानर राजा सुग्रीव उनके सहायक जंबवान अंगद और बजरंग के साथ वानर सेना की मदद से राघव बजरंग से लंका जाने और जानकी भी अपने अनंत लंका पहुंचने का विश्वास जगाने के लिए कहता है। वो लंका के लिए उड़ान भरता है और जानकी को उसके आसन्न बचाव के बारे में बताता है। हालांकि वो लंकेश के पुत्र इंद्रजीत द्वारा पकड़ लिया जाता है।
आकाश, महासागरों और समुद्रों के देवता वरुण की मदद से राघव और वानर सेना लंका तक समुद्र पार करने के लिए एक पुल बनाती है। राघव और उसकी सेना लंका के तट तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार करती है। इस बीच लंकेश के भाई विभीषण को लंका छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उसने जानकी का अपहरण करने के लंकेश के फैसले का विरोध किया था। विभीषण राघव की सेना में शामिल हो जाता है और उसका शपथ पूर्वक सहयोगी बन जाता है। लंकेश को जानकी को राघव के पास वापस लाने की अंतिम चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो इसे अस्वीकार कर देता है, जिससे झड़प का मार्ग प्रशस्त होता है। झड़प के दौरान इंद्रजीत द्वारा शेष को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है। हालांकि बजरंग द्वारा वापस लाए गए संजीवनी पर्वत की मदद से ये उसे पुनर्जीवित करने और उसका इलाज करने में सक्षम होते हैं। ये लंकेश के महल में युद्ध शुरू करते हैं। लंकेश के पास उपलब्ध उन्नत तोपखाने और हथियारों की वजह से कई वानर मारे गए। हालांकि राघव द्वारा बजरंग की मदद से हवाई सहायता प्रदान करने से स्थिति बदल जाती है। दूसरा हमला इंद्रजीत को मारने के लिए शेष, विभीषण और अंगद के नेतृत्व में होता है। शेष इंद्रजीत पर हमला करता है, यद्यपि वो उसे चाकू मार देता है, फिर भी वो उसे सफलतापूर्वक मार देता है। दोनों हमले लंकेश की सेना पर काबू पाने में सफल होते हैं। तीसरा हमला शुरू होता है, जहां कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया जाता है। जब वो बजरंग पर काबू पा लेता है तो राघव और शेष उसे सफलतापूर्वक मार देते हैं। कोई अन्य विकल्प न होने पर लंकेश युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का फैसला करता है। अंतिम लड़ाई होती है, जहां राघव ये एहसास होने के बाद कि लंकेश को केवल दिन और रात के बीच में ही मारा जा सकता है, लंकेश को वश में करने और मारने में कामयाब हो जाता। राघव, शेष और जानकी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कौशल लौटते हैं, जहाँ राघव को अयोध्या का राजा बनाया जाता है और जानकी उनकी रानी बनती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। प्रीमियर हो रही है आज? जी जी। व्हाट इज योर एक्साइटेड, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन?
Bami is a great festival, one of the best from India. So we are very happy that the film is premiering here. And these are our cast members, Preeti and Keshav. Hi. Hi. Not at all. I think the victory was to get into the film first. And I owe this award to all the people who worked in the film. And they've really helped me get the performance we've eventually got. So it's great. It's a great feeling. I think I'll not do justice with words with how I've experienced. I mean, 2 saal ho gaye, exactly 2 years before it was my first shot of this film. And it's been a blessing, everything. I mean, even the team, Big Sir, the Big Sir here. Yeah, hyping yeah. us up. And, yes, words. He's our cheering lead. Yeah. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आई थिंक एक्सपेक्टेशन है कि ऑडियंसेस आएँ. एज यूजुअल आई थिंक द सिनेफाइल्स हैव इंक्रीज्ड इन मुंबई एंड इन इंडिया. सो द फेस्टिवल इज गॉटन बिगर एंड बिगर एंड बेटर. फिल्में बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं. वी आर वेरी हैप्पी टू यू नो बी इन मामी दिस ईयर. एंड या आई एम रियली होपिंग दैट मतलब एक्चुअली वी मेड अ गुड नेम फॉर आर सेल्व्स. वी आर वेरी एक्साइटेड विद द जर्नी फॉरवर्ड. आगे फिल्म की और भी जर्नी होने वाली है. स्नेहा से मिलिए. स्नेहा इन्होंने म्यूजिक किया है हमारी फिल्म का. ये दोनों मुझे लॉन्च कर रहे हैं. शट अप. नो नो वी जस्ट लव हर. रीयूनाइटिंग विद स्नेहा आफ्टर सो मेनी इयर्स इज बीन अमेजिंग. वेल ऑलमोस्ट लाइक एवरी इंपॉर्टेंट फिल्म दैट आई हैव डन शी इज बीन इन इट. क्योंकि ओयला की लकी वो इससे शुरुआत हुई है. दैट्स व्हाई वी फर्स्ट मेट. उनकी भी फर्स्ट फिल्म है ओयला की. एंड आफ्टर दैट वासेपुर भी तो मतलब किल्ड इट. Now I'm just super happy to be on Girls Will Be Girls in whatever capacity I could have. तो एक गाना है वो मैंने किया. अरे लॉन्च नहीं हुआ ऐसे मत करो. अभी हम प्रॉपर लॉन्च करेंगे थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद. यार हाँ. नो यू कैन इफ यू वॉन्ट. इट्स अप टू यू. आई रियली लाइक वन लाइन फ्रॉम द सॉन्ग विच इज मुझे लग जाए ना मेरी नजर. Somebody obsessed with themselves. जी लेट प्रीमियर नहीं कर रहे. हम फेस्टिवल रन कर रहे थे ना. तो फेस्टिवल रन के लिए सिर्फ वही फिल्म्स एक्सेप्ट होती है जो कहीं मतलब अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग जगह रिलीज होती है. बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल को प्रोडक्शन. जी व्हाट कैन आई. बिल्कुल एक्सपेक्ट किया था. फिल्म देखने के बाद तो ज़रूर एक्सपेक्ट किया था. Right now about production I don't know, but about reproduction I can tell you. I just have a little baby, so I'll focus on that for the next 2 months. Thank you. यहाँ पे
फिर आपके सामने सामने मैम सेंटर सामने देखिए मैम लेफ्ट 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 ऊपर ऊपर मैम लेफ्ट अरे मैम यहाँ पे सेंटर में देखिए मैम सेंटर में बिल्कुल आपका सेंटर ये हो गया इधर भाई ये दोस्त ये थोड़ा सेंटर में अभी ओके थैंक यू गाइस बाय मार भी दूंगा मैं अरे फिर ए भाई ए तेरे को समझ में आ रहा है क्या एक बार दोबारा नहीं आना इधर 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 था ना इधर सिमरन इधर इधर हो जाए एक आला दर्जे का हो जाए इधर रात्रि तुला पाहिजे का वेट वेट ठीक आहे चालेल वेट चांगलं दोन मिनिट हो ठीक आहे चालेल मी ट्राय करा पिक सर सोलो सोलो सर यहाँ पे सेंटर में एकदम सेंटर थैंक यू करिश्मा मैम यहाँ पे
आपका 16 सामान मैम यहाँ पे देखिए. Thank you. थैंक यू मैम. आपका 16 मैम, 16 सामने दीजिए मैम. गाने का नाम है आला गर्ल, जिससे मैं पॉपुलर हूँ. और इस और उसकी शायरी कुछ इस तरीके से होगी. सिर्फ आला आला बोलती है बोलकर मुझे बदनाम कर दिया, मैंने वही आला लफ्ज उठाकर अपना नाम कर दिया. बहुत शायरी आई ना मेरी. नहीं बस 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 कौन सी शायरी बोली? ऑन द स्पॉट बनाने की आदत है ना, सोचती हूँ थोड़ा सा. जिसको मैंने बहुत प्यार से अपना दिल दिया,
वो है मेरी प्यारी मीडिया 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 ऑन द स्पॉट बनाई हूँ, तो ज्यादा तवक्कु मत करना मुझसे, पीजे वाली शायरी थी। मैं कसम से बोल रही हूँ बहुत मसरूफियत है, नहीं देख पा रही हूँ आई स्वेयर, बट जितना भी रील वगैरह पर आ रहा है मुझे ये श्रुति का नाम है उनका, वो मुझे बहुत फन लग रही है, सो आई थिंक शी इज़ एन इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट, बाकी मैं इतना तवज्जो से नहीं देख रही उसको। और मेरा एक दोस्त है अविनाश, वो भी अंदर है तो उसको भी फुल सपोर्ट, पर मैंने देखा नहीं है, बट आई थिंक वो मचा रहा होगा। आप देख रहे हो कैसा कर रहे हैं अविनाश, कड़क आला बोलो, बहुत कुछ आ रहा है गाइस। एक अनाउंसमेंट, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है और आपको वो पता चलेगा तकरीबन 15-20 दिन में, सो स्टे ट्यून्ड। हाय, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। मोस्ट स्टाइलिश डीवा टेलीविजन का अवार्ड मिला है। फिलहाल मैं तो टेलीविजन में नहीं, OTTs में हूँ, बट आई एम हैप्पी विद दैट अवार्ड, करिश्मा जी से मिला, अच्छा लगा एक्चुअली। हाँ क्या लो, ओह गॉड, यहाँ पे बहुत से थे मैं। चलो थैंक यू, अवार्ड दूसरी हाँ बोलिए अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, करिश्मा मैम के मैं फैन हूँ, पर दूसरे का अवार्ड मिल गया मुझे, आई एम वेटिंग फॉर माय अवार्ड। चलो फाइनली आई गॉट इट, ये अच्छा, सो ये OTTs के वजह से मिला है मुझे। आई हैव बीन प्लेइंग सो मेनी कैरेक्टर्स, सो मेनी सीरीज, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर एज ए मेन लीड, बहुत मजा आता है मुझे अपना काम पे, और उसके लिए जब अवार्ड मिलता है, और करिश्मा जी जो फैन है, फैन फॉलोइंग है मेरी, तो आई एम ऑनर्ड, थैंक यू। उनके गाने में मैंने परफॉर्म किया, गॉड जो बचपन से मेरा सपना था वो आज फुलफिल हुआ, सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। Thank you. Yeah. Check one. Yes. यार मैंने अभी के मेनन के साथ एक शो करी है मुर्शिद, तो उसके लिए बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ, दिस इज माय फर्स्ट अवार्ड यार बाप बनने के बाद, तो ये मेरे काफी मायने रखते हैं। Yeah. Thank you. आगे क्या है, अभी अपलॉस के लिए एक शो है राहुल देव के साथ, एक अभी राणा नायडू सीजन 2 है, एक फिल्म है विजय राज के साथ, कई सारे अलग अलग चीज़ें हैं फिल्में OTT स्पेस पे, आप देखते रहोगे मुझे। भाई हम अवार्ड लेने के लिए कभी भी आ सकते हैं यार, सुबह शाम कभी भी, अभी एक्चुअली मैं शूट करने जा रहा हूँ, तो ऑन द वे मैं सोचा कि आ जाता हूँ, एंड यार अच्छी फीलिंग है जब लोग आपके काम को सराहते, सो वेरी हैप्पी, थैंक यू, मिलते हैं अगले वाले पे। Most stylish diva television. thank you. Every award is really special. So बहुत मज़ा आ रहा है, आई मीन ऐसा कोई अवार्ड स्टाइलिश दीवा, विच मीन्स अ लॉट, क्योंकि यू नो इट्स सरप्राइजिंग एक्चुअली। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है,
वो आपको जल्दी पता लगेगा। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला है फॉर ब्रोकन न्यूज़ 2 और ताज़ा खबर 2, एंड पॉपुलर चॉइस अवार्ड एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो ऑडियंस की तरफ से होता है, सो आई वांट टू गिव अ लॉट ऑफ लव टू द वंडरफुल ऑडियंस हमेशा सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। मेरे स्टाइलिस्ट ने मुझे दिया है, डिज़ाइनर का नाम मुझे देखना पड़ेगा कौन है, बट आई जस्ट लव द कलर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। क्या हो गया? क्या बताऊंगी मैं, बहुत अच्छा लगा उनके हाथों से मुझे अवार्ड मिला, बहुत अच्छा लगा। सुंदर सुंदर हाथ थे, गोरे थे एकदम, और हाथ नहीं ज़्यादा देख पाई, उनको देखा मैंने, लेकिन हाथ से अवार्ड में तो हाथों पे था फोकस मेरा, तो हाथ गोरे थे। हाँ जी बताइए। अगर आप बोलना चाहें बता सकते हैं, काजल राघवानी ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है केसरी लाल के लिए कि वो हीरोइनों के न्यूड फोटो अपने पास रखते हैं, ये स्टेटमेंट काजल राघवानी ने एक दिन पहले दिया है। मुझे बिल्कुल पता नहीं है इस चीज़ के बारे में जो आप पूछ रहे हो जी, ये मुझे, मैं अवेयर नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में, और अगर ऐसा है तो ये तो उनसे आप जवाब मांगोगे ना कि मुझसे मांगोगे, क्योंकि मेरे न्यूड फोटो नहीं है, केसरी मेरा छोटा भाई है तो मुझे पता नहीं, और आप ना मतलब मुझसे अगर खेसारी के बारे में ऐसी बात पूछोगे तो मुझे बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि ना मेरे लिए मेरा छोटा भाई है वो, है ना। अरे बहन, फिर बीवी, माँ, सब कुछ,
तो इनिशिएटिव बहुत बड़ा है और शशि सर थैंक यू सो मच कि आप 18 साल से ये इनिशिएटिव चला रहे हैं, क्योंकि बहुत इनिशिएटिव होते हैं लोग शुरू करते हैं लेकिन चला नहीं पाते। आज आपका इनिशिएटिव बालिग हो गया है 18 साल का, सो इट्स रियली रियली ग्रेट थिंग। और टीवी पे मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटियाँ ही छाई हैं, बेटे सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहन के आ जाते हैं सेट पे, लेकिन काम करने को सिर्फ बेटियों को मिल रहा है। इस बात से मतलब जितने भी सीरियल बन रहे हैं आप देखिए ना, सिर्फ महिलाओं के लिए बन रहे हैं, मर्दों के लिए कुछ नहीं बन रहा। मैं सच में बड़ा परेशान हूँ इस बात से कि जितने भी सीरियल बन रहे हैं, सीरियल बनता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कभी नहीं बना क्योंकि ससुर भी कभी जवाई था। सीरियल बन रहा अगले जन्म मुझे बिटिया कीजिए, बिट्टू क्यों ना कीजिए, बिट्टू भी ठीक है दुनिया में और एकता मैम तो आई नहीं है, लेकिन वो सीरियल बड़े कमाल के बनाए और उन्होंने जो फैलाया है सीरियल का दौर कि आज टीवी इतना बड़ा हुआ है, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। लेकिन मैं सीरियल से बड़ा परेशान हूँ शशि सर, उनका सीरियल देखिए, इसका रिश्ता उसके साथ, उसका रिश्ता इसके साथ, इसका रिश्ता उसके साथ, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। मुझे समझ नहीं आती है सीरियल चला सर इतना लंबा चला, अभी बंद हुआ दिया और बाकी, मैंने कहा पता नहीं कौन से दिए में बाकी डाल दी, दिया बुझ ही नहीं रहा, इतना लंबा चलाना था तो इसका नाम अखंड ज्योति रख लेते, हमें पता होता इतना लंबा चलेगा। राजन सर आए थे पर मैं उनको जरूर बोलता, उनका सीरियल क्या कमाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बच्चों के आगे बच्चे हो गए, बच्चों के आगे बच्चे हो गए, बच्चों के आगे बच्चे हो गए, फिर भी पूछ रहे ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैंने कहा आपको पता नहीं चल रहा तो बच्चे के गूगल से डाउनलोड कर रहे हो। तो टीवी पे सिर्फ महिलाएं छाई हुई है क्योंकि ये 8 से 11 का सर, वैसे तो आप बेटी का दिन रख लिया आपने, था बीवियों का और हमें पता, हम बीवियां घर में छोड़ के आए हैं जो प्यासी बैठी हुई है, अभी तक उनका चांद इधर लोगों के सामने खड़ा है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इनिशिएटिव है चल रहा है। तो आज मैं भी पहली बार है कि मेरी बेटी भी इस लायक हो गई, मैंने देखा था कि उसको मंच पे लाया जा सकता है। सो आज मैं चाहूँगा कि आपने जितना प्यार मुझे दिया है उसकी शुरुआत को उतना प्यार दें और तालियों से स्वागत करें। मेरी दुलारी है, मेरे बेटों की बहन, मेरी बीवी की बेटी, मेरे बाप की पोती और मेरी लाड़ी, प्लीज वेलकम मान्या ठाकुर। हेलो हेलो, हाय, हाउ आर यू ऑल, गुड इवनिंग, कैसे आप सब, मजा आ रहा है आप सबको? बेटा पिता को पूछ लेते हैं सीधा, सामने नहीं सब कुछ पूछ लेते हैं। पहली बार मैंने इंट्रोड्यूस किया इसको इतने बड़े मंच पर इतने बड़े लोगों के सामने, सो कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया मैंने। हाँ तो उसमें आपने नया क्या किया है, मैं आप सबको एक बात बताती हूँ, इनको ना एंकरिंग की इतनी गंदी आदत लगी है ना कि ये घर पे भी मुझे ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं हर जगह। अब मैं बताती हूँ कैसे। प्लीज वेलकम माय टैलेंटेड डॉटर खाने के टेबल पे, स्वागत करिए मेरी टैलेंटेड डॉटर को झाड़ू मारने के लिए। बेटा मैं प्रैक्टिस कर रहा था और रियाज कर रहा होता तुम्हें पता नहीं है, शशि जी से मेरा वादा हुआ था, उन्होंने जब मुझे फोन किया ना कि बेटी के लिए बुलाया, तो मैं कहा ठीक है मैं करता हूँ और आईटी का अगला होस्ट मैं। थैंक यू सर। आईटी के अगले होस्ट? यस। वाओ, तालियां, एक बार तालियां। आई थिंक अगर आपको आईटी चाहिए तो आज आपको अच्छे से करना होगा। मतलब शशि अंकल है ना, सॉरी, बहुत चालाक है, पता है क्यों? क्योंकि ये उनका सोफिस्टिकेटेड तरीका है आपको ऑडिशन लेने का। ऑडिशन ले लिया मेरा, हद हो गई है, ऐसे मत बोल दो, तुम तो मत बोल दो, देखो आंटी देखेंगे कैसा उनको लगेगा। आंटी? हाँ, आप उन्हें आंटी बोल रहे हो? जरा एक बार गौर से देखना, मुझसे हार्डली 2 साल बड़ी होंगी वो। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। हाँ तो ही मैं सोचू, वरना लुक एट हर, शी इज सो प्रिटी, लेकिन तुम आई हो ना साथ में, मैं सच बता रहा हूँ, जाके घर में मम्मी को बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता करवा चौथ वाले दिन किसी का पति अपनी बीवी से पिट रहा हो। नहीं नहीं पापा, आज आप बोल दो, आपको ना जो बोलना है ना आप बोल दो, मैं ना मम्मी को आज नहीं बताऊंगी, मम्मी का साथ। वेरी गुड, थैंक यू, पर मैं कल बताऊंगी, कल तो पिटने में प्रॉब्लम नहीं है ना? बेटा पिता हूँ मैं तुम्हारा। माय बैड माय बैड नहीं माय डैड। अरे मैं माफी मांगा,
इट्स अ जेन जी वे टू अपोलोजाइज। सर ये जेन जी वे जो आ गया ना, मैं बड़ा परेशान हूं इससे। वो सच में ये हमें सिखाती रहती है। मुझे बोलती, हमने पंजाब से, मैं अमृतसर से हूं, तो थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा यू नो हैंड वेरी टाइट। तो क्या होता है, ये हमें सिखा रही होती है। जब मैं किसी फिल्म में जाता हूं, पापा हीरोइंस के सामने अगर कोई गलती हो जाए ना, सॉरी बोलना, सॉरी। क्यों सॉरी बोलना बेटा, फिर माफी। मैं हिंदी में मांग लूंगा ना सॉरी, तो हमने कभी अपने बाप को नहीं बोला जिसने तीन रातें खराब करके हमें बनाया। हम दोस्तों में ये बोलते हैं आगे से नहीं करता, आगे से नहीं करता। लेकिन कहती नहीं सॉरी बोलो। मैं कहा क्या होता है सॉरी में? कहती मैनर्स होते हैं इंग्लिश में। मैंने कहा हमारी हिंदी कौन सी बिकनी पहन के घूम रही, हमारी हिंदी में भी उतने मैनर्स हैं। तो मैंने ये सॉरी बोलना सीखा। अगर गलती हो जाती है किसी हीरोइन के सामने तो अपन बोल देते सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा एक तो सॉरी निकलता तीन बार, पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस है हमें। ऐसा लगता है पहली सॉरी की स्पेलिंग गलत है, दूसरी सॉरी को पोलियो हो गया, तीसरी चौथी सॉरी हमारी ठीक होगी। तो अच्छा एक शब्द मैंने और याद कर लिया, इट्स ओके। मैंने कहा मैं भी बोलूंगा ठीक है। तो एक बार एक लड़की से चाय गई, उतनी चाय नहीं फैली जितना मैं फैला। मैंने कहा कहती क्या माफी? कहती आई अपोलोजाइज। मैं कहता माफी। और सर उसे गुस्से में बोला, कहती आई एम सीरियस सेइंग आई अपोलोजाइज फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। तब मुझे समझ में आया, मैं कहा नहीं मांगी तो उसने माफी है। और ये प्रॉब्लम क्या है, एक कदम ना हमसे आगे निकल जाती। अच्छा मैं था पंजाबी आदमी, मैंने क्या किया, मैंने अपोलॉजी भी याद कर लिया, सॉरी भी याद कर लिया, पार्डन भी याद कर लिया। मैं क्या अब अगली बार की लड़की की जो बैग से तनी थी मेरी आंख में लगी, मैंने क्या है? कहती क्या? मैं क्या माफी? कहती माई बैड। अच्छा जिस कॉन्फिडेंस से उसने बोला ना, मैं समझ गया मांगी तो इसने माफी है, लेकिन लड़की एक कदम आगे निकल गई। ये जेन जी वाले हैं ना सर, हमसे एक कदम आगे निकल जाते हैं। हम कुछ भी याद कर लें, मैं याद करके जाता हूँ, आई एम सरप्राइज, कहती आई एम शॉक। मैं क्या राजीव इतना आगे निकलते हैं, मुझे लगता है जो हम 90s वाले ना, हमारी इंग्लिश है राहुल गांधी, चल ही नहीं रही। और जेन जी वालों की इंग्लिश है मोदी, जहां नहीं चाहिए वहां भी आ रहे हैं। सही है बेटा। लेकिन बात सर, अभी मैं कृष्णा के साथ शो में था तो उन्होंने मैं बताया कि मैं बेटी कैसे परफॉर्म करने जा रहा हूँ। शशि जी ने बुलाया, कहते शशि जी बहुत काम देते बस पैसे नहीं देते। पापा हर काम पैसे के लिए नहीं करते हैं पहले तो, क्योंकि पैसों से भी बड़ी काफी सारी चीजें हैं, जैसे इस मंच पे परफॉर्म करना। आज आप देखो एक बेटी के लिए नहीं, कितनी सारी बेटियों के लिए परफॉर्म कर रहे हो। पहले मुझे भी यही लगता था, जब जिस दिन मैं उनकी फीस भरने गया ना, सच कह रहा हूँ, उस दिन मुझे लगा कि पैसों के लिए भी काम करना चाहिए। सच बता रहा हूँ, जितनी इनकी सर एक महीने की फीस है ना, मैंने 3 साल में ग्रेजुएशन की थी उतनी फीस में। तीन साल में yes. देख लिया हमने आपने कितना 3 साल में सिखाया। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ ठीक है, इनसे ना आज भी थर्स्टी क्रो में ना 30 गलतियां निकलेगी, ये मैं आपको बता सकती हूँ। इतना ना हम एक महीने में सीख लेते हैं। बेटा सीख तो तुम लेते हो, लेकिन फीस हमने भरी होती है। मैं बैठो, मैं ना इनको बताता हूँ, मैं एडमिशन जो मैं इसकी कराने गया था, बेटा उधर बैठो जरा, मैं जरा आज बताता हूँ इसकी एडमिशन कितनी मुश्किल हुई थी मेरे लिए। सर हमें 90s वाले, मैं आपको बताता हूँ शशि जी, जो कष्ट मैंने झेले मुंबई में, I feel rather strange sitting in a bookshop when I didn't actually write the book. I'm incapable, totally incapable of writing. So the book was written by my dear friend Georgina Brown, who sadly is in England. She's not here, but she's with us in spirit tonight. So I just wanted to clarify that before we begin. She and I spent a lot of time talking, and the book was a result of a lot of talking, which we'll probably go into. I came to India to find out whether I could live here. In 1966. So I'm going to read just a little bit about when I came. I came to see whether I could live here. And I've already been here for a couple of months, and I'm having to make up my mind whether I could actually live the rest of my life. Is that better? Sorry, I'm new to all this.
Nearly 2 months have passed, and I liked Bombay well enough. Now I had to decide whether I could spend the rest of my life here. Then one day, I caught myself singing, Hey, Dil, Kimush, Dil, Jai, Jai, Yahan, Zara, Hatke, Zara, Bachke, Yeha, Bombay, Mary Jan. A song from CID, a Hindi movie, which translates as, Oh my heart, it's very difficult to live here. Be careful, be warned, this is Bombay, my love, which had recently become the city's unofficial anthem. Was it because it was sung to the familiar British tune of Oh My Darling Clementine, or that Bombay was beginning to get under my skin? Both, perhaps. My only worry was boredom. I didn't even have to make my own bed. Never mind shop or cook. As a dyslexic, I'd never been a big reader. As a girl, I had spent hours playing the piano and making silly crafty things, such as sandals out of raffia, or cooking. Here, there was no piano, nothing to make, and no place for me in the well-staffed kitchen. I found myself wondering if I could be happy living here long term. I must have wondered about this out loud at some stage, and possibly even grumbled about being abandoned, because Anand suddenly told me with a smarting frankness that if I was to marry him, I'd have to make my own life here and not rely on him for company, since he would be busy with work and bridge and had no intention of changing his habits. It stung at the time, but once I recovered, I felt grateful that he had called a spade, exactly what you would expect from a bridge champion. I can't remember when I did eventually make up my mind. Somehow, both of us just drifted into certainty. Anand didn't go down on one knee and give me a ring. I always said he just assumed I would marry him. And he was right, as he always is. We became engaged on the 16th of July. I love that excerpt so much. And I think it's such a good thing that he said that, because, you know, your whole journey started because of that, and we'll get into it, your whole journey with the NGO, all the friends you've made, the wonderful life you made here. But before that, Sarah has also prepared a passage, so why don't you go? So this is also from Granny's book. I landed in Bombay on 25th March, standing at the top of the steps of the plane in a short blue Mary Quant style skirt. I felt a blast of humid Bombay air, hotter and wetter than I have ever experienced. The sky looked like boiled milk. I was used to greyness, gloom and cold. I took my first breath of India. Petrol fumes, sewage, rotting garbage, all rather intense and mildly nauseating. I quickly discovered that, like most things Indian, there is always a flip side to the bad. In this case, the heady scents of tuberoses, frangipani, and jasmine in the garden at Anand's house. Anand met me in a Chevy Bel Air, a ridiculously long turquoise and white car driven by Rama, one of the Mehta family's drivers. Rama's father had been the driver before him. I have always been a bit of an anorak about motor cars. So, while everything else is a bit of a blur, I vividly remember noticing the cars on my first drive from the airport. Most were ambassadors, very like the British Morris Oxford I had left behind, and the traffic moved reasonably fast along the main roads. It doesn't do that anymore. In the garden of the bungalow on Warden Road in Breach Candy, the extended Mehta family had gathered to greet me, curious about the English girl Anand had invited to stay. Crypto, the family Labrador, lay twitching in the sun and didn't bother to introduce himself. Ever since Anand's return, his mother had been asking each morning, Baba, when are we going to meet Annie? Anand was 26 years old, and like so many eldest sons in India, he had been nicknamed Baba from birth. Apparently, his youngest sister, Jill,
used to tease him by stealing my letters to him from the breakfast table and refusing to hand them over until he gave her 1 rupee. The family quite literally opened their arms to me, calling me Annie from the start. Anand's mother dipped her finger into a pot of thick liquid and placed a red spot on my forehead. Her welcome was as warm as could be, and I had to pinch myself to realize this was really happening to me. Already far away, England seemed very chilly and the English very literally buttoned up. Thank you. That was such a trip down memory lane, and I think one of the things that I enjoyed so much about the book was the whole family story, and I felt like I fell in love with your family, your Indian family, who was so welcoming, sitting right here, you know, reading the book. One feels that I know you all, so it was really, really well done. And what was also very interesting was that it captured a specific time in history, which is forgotten. As a resident Mumbaiker myself, I really love that slice of Bombay that you brought to life. So you came to Bombay in the 60s, and the book really chronicles your time as a young girl in England, and then as a young bride, and then how you built your life here. So let's go back to the beginning. You know, the book is really, really bold. You talk a lot about your relationships with your parents, with you know, your children, with your grandchildren, and from settling down to moving to Bandra later on in life. And you also mentioned Georgina Brown and the whole process of writing the book and how she got so interested in your life, as who wouldn't be. So could you tell the audience a little bit more about how the whole process of putting this book came together with Georgina? I think I've had a fascinating life, but I could never understand that anybody else might think it was interesting. And I certainly never wanted to write about it. And so it really happened rather by accident. Georgina was the wife of the British Deputy High Commissioner here, and she'd been here for a year, and she was bored, I was told. I was told she was a writer, and she was bored, so I put two and two together and thought, I'll ask her to write about Up in LA, which is the charity I'm involved with, and we're always looking for people to write. So I phoned her up, and she invited me for a cup of tea at 3:30 in the afternoon. I've got the diary entry still to remind me. And I left about 3 hours later, having signed up for her to write about me rather than to write about Up in LA. She was fascinated by India. She absolutely loved it. And she wanted to know more. And in her 1 year of being the High Commissioner's wife, she hadn't managed to meet people who could answer all the questions she wanted to ask about India. She bought herself a second-hand car, and she's driving around Bombay, and she was trying to find things out. So she started asking me about India and about my life here, and she and I came from a very similar background, so she could understand how I could move from the swinging 60s in London, the Beatles and Carnaby Street and Mary Quant and miniskirts, and a lot was going on at that time, and come to Bombay, which in the mid-60s was a very, very different place from what it is now, with nothing available, shortages, and in many ways a very simple lifestyle. So we started on these sessions. I would go a couple of times a week, and we'd spend 2 or 3 hours talking. And she would record on her iPhone. I think part of the genius of this book is that from hours and hours, because we did it for over a year, all these recordings, and then suddenly she had to leave because of COVID. Back in England during lockdown, she managed to sort through these hours of rather wandering questions and answers and talks and discussions and make a book out of it. So that's how it came about. All along, I never believed it would actually get published. I thought it was a fantasy in her mind. She'd never written a book. She was a theatre critic. And so she was very excited about it and very enthusiastic. But I thought, goodness me, you know, how do we ever get a book
out of all this. And then he talks a lot. So yeah. For her, having thousands of hours of voice notes and footage is very easy. I'm very curious about what was left out of not access all of that. Maybe there's another book in there. No, sometimes I said this is off the record. Okay, so one thing that, you know, I was very curious about, and I'm sure readers would be, is the whole trigger point of you moving to Bombay was the love story between you and your husband, who's sitting right here. So could you tell us how it all began? How did you meet Anand Mehta? What were those first few sparks? Oh, well, really have to be candid. I always say it was a foggy night in London town. We were both at LSE. Anand was doing still undergraduate economics, and I was doing a non-graduate two-year diploma in social administration, which was a basic training for social work. And I hadn't known a soul when I went to LSE, so I talked to anybody I was sitting next to, and I talked to a couple of West Indian guys one day, and we became friends. And every Friday night at LSE, they used to have what was known as a hop. Nobody would know what a hop was now, but a hop was a sort of informal get-together in the Three Tons Bar. So Bert and his friend Jake said, come, we're going to the hop. So I went to the hop, and it was a very foggy night, so not many people turned up. But they introduced me to their friend Anand Mehta. And we started talking. And I think, do you remember? We talked for a long time, and then the next day we continued talking, and here I am, 60 years later, still talking. And the book is dedicated to Grandpa as well. Love that answer, thank you. You know, I mentioned it before, the book is very raw. It also touches upon some very hard moments of your life as well. So actually, this question is directed towards Sara. I'm sure there were a lot of things that you learned about your grandmom and your grandmom's family that you didn't know before. So what were your first impressions of the book? And is there something that you learned that you didn't know before? I think the book, firstly, was a very easy read. I thoroughly enjoyed reading it. Granny has told me almost all of the stories from the book because she loves to talk, as I mentioned, and she loves sharing all kinds of anecdotes from her life. So I really did enjoy reading the book. What I learned, I think I'd say that you always think of the West to be extremely progressive and us as Indians to be a little bit more traditional, but in the book I kind of found that my English side of the family was a little bit more traditional, and when Granny moved to India, Grandpa's side of the family, on the contrary, was extremely accepting of everything, and they were actually much more progressive. So I think that's something that I learned. Yeah, I found it quite remarkable as well, you know, in the 60s, for such a liberal family, so progressive. And coming back to you, Annabelle, you know, the bungalow that you lived in, the Mehta's bungalow in Breach Candy, that is almost like a character. You know, there's people running in and out, the smell of jasmine, it's right next to the sea. I mean, I could almost visualize it. I know it's not around anymore, but I almost wish it existed and we could all take a tour of it. But you were exposed to a very different kind of Bombay, sort of an upper class milieu. So what were your first impressions of, you know, the city in India? Oh, sorry. Anyone who knows England well knows that the sun doesn't very often shine. So come to India and it's light, it's open, the doors and windows are open, people are out in the streets, most people are smiling. So it was the sun, it was the light, colour. I love colour, so much colour. I mean, you seldom see somebody wearing, two people wearing the same thing in India. Whereas if you go to London, Marks and Spencer's, you'll see three people on Oxford Street wearing the same coat. The smells, the flavours,
I mean, there was so much about India that I think it just captivated me straight away. And I think because I was the youngest of four children brought up during and after the war in difficult times, I'd learned to sort of keep below the radar, to go with the flow. And so I just, when I came here, I just went with the flow and still am flowing. Yeah, it's really remarkable how, you know, you went with the flow and then you made so many friends and your work as well. So I'd like to speak a little bit about your work right now, your work with the NGO Apna Lay, who we've worked with for many years. So in the book you say, I arrived in Bombay knowing lots and lots about both the theory and practice of social work in England, but quickly discovered that India was a very different world. Having learned about the non-directive approach, we used it when venturing into new communities. So your NGO worked in some of the slums of Shivaji Nagar, and you also chronicle a lot of heartbreaking stories. So what is the biggest thing that you've learned when it comes to empowering the urban poor? I should start by saying I found this the most difficult chapter to write. Georgina did the writing, and then there were lots of back and forwards between us, editing, taking things out, putting things in. And this chapter, I think she found difficult to write. I mean, how do you write about something that's occupied me for 50 years of my life here, and which is so different from what most people knew of me and had experienced? So this was a difficult chapter to write, and it's quite a difficult question to answer. So I made one or two notes to myself. I think, you know, the biggest thing that I learned as to what we as an NGO should be doing was to help people to acquire the knowledge, skills, and confidence to address the issues that impact their lives. And that's what I think we tried to do. We worked in initially four slum communities that we were able to move out of when they were rehoused and we'd been working there for 25, 30 years. But we're still in Shivaji Nagar, which is Bombay's second biggest slum after Dharavi, and still very bad. प्रभाष की फिल्म आदि पुरुष देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में। हजारों साल पहले लंका के राक्षस राजा लंकेश ने सृष्टि के देवता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वो ना तो दिन में और ना ही रात में देवताओं या राक्षसों द्वारा मारा जा सकता है, जिससे वो अजय हो गया। दूसरी ओर कई वर्षों बाद अयोध्या राज्य में कौशल के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी राघव की सौतेली माँ से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने बेटे राघव को 14 साल के लिए निर्वासित कर दिया कि उनका बेटा भरत सिंहासन पर बैठेगा। राघव निर्वासन स्वीकार करता है और अपनी पत्नी जानकी और भाई शेष के साथ गोदावरी नदी के पास पंचवटी के जंगलों में निर्जन स्थान के लिए निकल जाता है। लंकेश की बहन राक्षसी शूर्पणखा राघव को अपने साथ विवाह करने के लिए बहकाने की कोशिश करती है और जानकी की जान लेने का प्रयास करती है। अपनी बहन के अपमान के बारे में सुनकर वो राघव और शेष दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक गुर्गे को सुनहरे हिरण के वेश में भेजता है। शूर्पणखा से उसकी सुंदरता के बारे में सुनने के बाद लंकेश जानकी का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ता है। राघव और शेष जानकी को मुक्त कराने और बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात शावरी से होती है, जो उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर ले जाती है। बाना राजा सुग्रीव, उनके सहायक जंबवान अंगद और बजरंग के साथ वानर सेना की मदद से राघव बजरंग से लंका जाने और जानकी भी अपने अनंत लंका पहुंचने का विश्वास जगाने के लिए कहता है। वो लंका के लिए उड़ान भरता है और जानकी को उसके आसन्न बचाव के बारे में बताता है। हालांकि वो लंकेश के पुत्र इंद्रजीत द्वारा पकड़ लिया जाता है। आकाश महासागरों और समुद्रों के देवता वरुण की मदद से राघव और वानर सेना लंका तक समुद्र पार करने के लिए एक पुल बनाती है।
राघावट उसकी सेना लंका के तट तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार करती है। इस बीच लंकेश के भाई विभीषण को लंका छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि उसने जानकी का अपहरण करने के लंकेश के फैसले का विरोध किया था। विभीषण राघव की सेना में शामिल हो जाता है और उसका शपथ पूर्वक सहयोगी बन जाता है। लंकेश को जानकी को राघव के पास वापस लाने की अंतिम चेतावनी दी जाती है लेकिन वो इसे अस्वीकार कर देता है जिससे झड़प का मार्ग प्रशस्त होता है। झड़प के दौरान इंद्रजीत द्वारा शेष को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है। हालांकि बजरंग द्वारा वापस लाए गए संजीवनी पर्वत की मदद से ये उसे पुनर्जीवित करने और उसका इलाज करने में सक्षम होते हैं। ये लंकेश के महल में युद्ध शुरू करते हैं। लंकेश के पास उपलब्ध उन्नत तोपखाने और हथियारों की वजह से कई वानर मारे गए। हालांकि राघव द्वारा बजरंग की मदद से हवाई सहायता प्रदान करने से स्थिति बदल जाती है। दूसरा हमला इंद्रजीत को मारने के लिए शेष विभीषण और अंगद के नेतृत्व में होता है। शेष इंद्रजीत पर हमला करता है यद्यपि वो उसे चाकू मार देता है फिर भी वो उसे सफलतापूर्वक मार देता है। दोनों हमले लंकेश की सेना पर काबू पाने में सफल होते हैं। तीसरा हमला शुरू होता है जहां कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया जाता है। जब वो बजरंग पर काबू पा लेता है तो राघव शेष उसे सफलतापूर्वक मार देते हैं। कोई अन्य विकल्प न होने पर लंकेश युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का फैसला करता है। अंतिम लड़ाई होती है जहां राघव ये एहसास होने के बाद कि लंकेश को केवल दिन और रात के बीच में ही मारा जा सकता है लंकेश को वश में करने और मारने में कामयाब हो जाता। राघव शेष और जानकी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कौशल लौटते हैं जहाँ राघव को अयोध्या का राजा बनाया जाता है और जानकी उनकी रानी बनती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में। हजारों साल पहले लंका के राक्षस राजा लंकेश ने सृष्टि के देवता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वो ना तो दिन में और ना ही रात में देवताओं या राक्षसों द्वारा मारा जा सकता है जिससे वो अजय हो गया। दूसरी ओर कई वर्षों बाद अयोध्या राज्य में कौशल के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी राघव की सौतेली माँ से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने बेटे राघव को 14 साल के निर्वासित कर दिया कि उनका बेटा भरत सिंहासन पर बैठेगा। राघव निर्वासन स्वीकार करता है और अपनी पत्नी जानकी और भाई शेष के साथ गोदावरी नदी के पास पंचवटी के जंगलों में निर्जन स्थान के लिए निकल जाता है। लंकेश की बहन राक्षसी शूर्पणखा राघव को अपने साथ विवाह करने के लिए बहकाने की कोशिश करती है और जानकी की जान लेने का प्रयास करती है। अपनी बहन के अपमान के बारे में सुनकर वो राघव और शेष दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक गुर्गे को सुनहरे हिरण के वेश में भेजता है। शूर्पणखा से उसकी सुंदरता के बारे में सुनने के बाद लंकेश जानकी का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ता है। राघव और शेष जानकी को मुक्त कराने और बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात शावरी से होती है जो उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर ले जाती है। वानर राजा सुग्रीव उनके सहायक जंबवान अंगद और बजरंग के साथ वानर सेना की मदद से राघव बजरंग से लंका जाने और जानकी भी अपने अनंत लंका पहुंचने का विश्वास जगाने के लिए कहता है। वो लंका के लिए उड़ान भरता है और जानकी को उसके आसन्न बचाव के बारे में बताता है। हालांकि वो लंकेश के पुत्र इंद्रजीत द्वारा पकड़ लिया जाता है। आकाश महासागरों और समुद्रों के देवता वरुण की मदद से राघव और वानर सेना लंका तक समुद्र पार करने के लिए एक पुल बनाती है। राघव और उसकी सेना लंका के तट तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार करती है। इस बीच लंकेश के भाई विभीषण को लंका छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि उसने जानकी का अपहरण करने के लंकेश के फैसले का विरोध किया था। विभीषण राघव की सेना में शामिल हो जाता है और उसका
शपथ पूर्वक सहयोगी बन जाता है। लंकेश को जानकी को राघव के पास वापस लाने की अंतिम चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो इसे अस्वीकार कर देता है, जिससे झड़प का मार्ग प्रशस्त होता है। झड़प के दौरान इंद्रजीत द्वारा शेष को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है। हालांकि बजरंग द्वारा वापस लाए गए संजीव ने पर्वत की मदद से ये उसे पुनर्जीवित करने और उसका इलाज करने में सक्षम होते हैं। ये लंकेश के महल में युद्ध शुरू करते हैं। लंकेश के पास उपलब्ध उन्नत तोपखाने और हथियारों की वजह से कई वानर मारे गए। हालांकि राघव द्वारा बजरंग की मदद से हवाई सहायता प्रदान करने से स्थिति बदल जाती है। दूसरा हमला इंद्रजीत को मारने के लिए शेष, विभीषण और अंगद के नेतृत्व में होता है। शेष इंद्रजीत पर हमला करता है, यद्यपि वो उसे चाकू मार देता है, फिर भी वो उसे सफलतापूर्वक मार देता है। दोनों हमले लंकेश की सेना पर काबू पाने में सफल होते हैं। तीसरा हमला शुरू होता है, जहां कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया जाता है। जब वो बजरंग पर काबू पा लेता है तो राघव और शेष उसे सफलतापूर्वक मार देते हैं। कोई अन्य विकल्प न होने पर लंकेश युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का फैसला करता है। अंतिम लड़ाई होती है, जहां राघव ये एहसास होने के बाद कि लंकेश को केवल दिन और रात के बीच में ही मारा जा सकता है, लंकेश को वश में करने और मारने में कामयाब हो जाता। राघव, शेष और जानकी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कौशल लौटते हैं, जहाँ राघव को अयोध्या का राजा बनाया जाता है और जानकी उनकी रानी बनती है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में। हजारों साल पहले लंका के राक्षस राजा लंकेश ने सृष्टि के देवता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वो ना तो दिन में और ना ही रात में देवताओं या राक्षसों द्वारा मारा जा सकता है, जिससे वो अजय हो गया। दूसरी ओर कई वर्षों बाद अयोध्या राज्य में कौशल के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी राघव की सौतेली माँ से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने बेटे राघव को 14 साल के निर्वासित कर दिया कि उनका बेटा भरत सिंहासन पर बैठेगा। राघव निर्वासन स्वीकार करता है और अपनी पत्नी जानकी और भाई शेष के साथ गोदावरी नदी के पास पंचवटी के जंगलों में निर्जन स्थान के लिए निकल जाता है। लंकेश की बहन राक्षसी शूर्पणखा राघव को अपने साथ विवाह करने के लिए बहकाने की कोशिश करती है और जानकी की जान लेने का प्रयास करती है। अपनी बहन के अपमान के बारे में सुनकर वो राघव और शेष दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक गुर्गे को सुनहरे हिरण के वेश में भेजता है। शूर्पणखा से उसकी सुंदरता के बारे में सुनने के बाद लंकेश जानकी का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ता है। राघव और शेष जानकी को मुक्त कराने और बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात शावरी से होती है, जो उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर ले जाती है। वानर राजा सुग्रीव, उनके सहायक जंबवान अंगद और बजरंग के साथ वानर सेना की मदद से राघव बजरंग से लंका जाने और जानकी भी अपने अनंत लंका पहुंचने का विश्वास जगाने के लिए कहता है। वो लंका के लिए उड़ान भरता है और जानकी को उसके आसन्न बचाव के बारे में बताता है। हालांकि वो लंकेश के पुत्र इंद्रजीत द्वारा पकड़ लिया जाता है। आकाश, महासागरों और समुद्रों के देवता वरुण की मदद से राघव और वानर सेना लंका तक समुद्र पार करने के लिए एक पुल बनाती है। राघव और उसकी सेना लंका के तट तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार करती है। इस बीच लंकेश के भाई विभीषण को लंका छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उसने जानकी का अपहरण करने के लंकेश के फैसले का विरोध किया था। विभीषण राघव की सेना में शामिल हो जाता है और उसका शपथ पूर्वक सहयोगी बन जाता है। लंकेश को जानकी को राघव के पास वापस लाने की अंतिम चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो इसे अस्वीकार कर देता है, जिससे झड़प का मार्ग प्रशस्त होता है। झड़प के दौरान इंद्रजीत द्वारा शेष को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है। हालांकि बजरंग द्वारा वापस लाए गए संजीव ने पर्वत की मदद से ये उसे
पुनर्जीवित करने और उसका इलाज करने में सक्षम होते हैं। ये लंकेश के महल में युद्ध शुरू करते हैं। लंकेश के पास उपलब्ध उन्नत तोपखाने और हथियारों की वजह से कई वानर मारे गए। हालांकि राघव द्वारा बजरंग की मदद से हवाई सहायता प्रदान करने से स्थिति बदल जाती है। दूसरा हमला इंद्रजीत को मारने के लिए शेष विभीषण और अंगद के नेतृत्व में होता है। शेष इंद्रजीत पर हमला करता है, यद्यपि वो उसे चाकू मार देता है, फिर भी वो उसे सफलतापूर्वक मार देता है। दोनों हमले लंकेश की सेना पर काबू पाने में सफल होते हैं। तीसरा हमला शुरू होता है जहां कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया जाता है। जब वो बजरंग पर काबू पा लेता है तो राघव और शेष उसे सफलतापूर्वक मार देते हैं। कोई अन्य विकल्प ना होने पर लंकेश युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का फैसला करता है। अंतिम लड़ाई होती है जहां राघव ये एहसास होने के बाद कि लंकेश को केवल दिन और रात के बीच में ही मारा जा सकता है, लंकेश को वश में करने और मारने में कामयाब हो जाता। राघव शेष और जानकी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कौशल लौटते हैं, जहाँ राघव को अयोध्या का राजा बनाया जाता है और जानकी उनकी रानी बनती है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में। हजारों साल पहले लंका के राक्षस राजा लंकेश ने सृष्टि के देवता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वो ना तो दिन में और ना ही रात में देवताओं या राक्षसों द्वारा मारा जा सकता है, जिससे वो अजय हो गया। दूसरी ओर कई वर्षों बाद अयोध्या राज्य में कौशल के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी राघव की सौतेली माँ से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने बेटे राघव को 14 साल के निर्वासित कर दिया कि उनका बेटा भरत सिंहासन पर बैठेगा। राघव निर्वासन स्वीकार करता है और अपनी पत्नी जानकी और भाई शेष के साथ गोदावरी नदी के पास पंचवटी के जंगलों में निर्जन स्थान के लिए निकल जाता है। लंकेश की बहन राक्षसी शूर्पणखा राघव को अपने साथ विवाह करने के लिए बहकाने की कोशिश करती है और जानकी की जान लेने का प्रयास करती है। अपनी बहन के अपमान के बारे में सुनकर वो राघव और शेष दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक गुर्गे को सुनहरे हिरण के वेश में भेजता है। शूर्पणखा से उसकी सुंदरता के बारे में सुनने के बाद लंकेश जानकी का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ता है। राघव और शेष जानकी को मुक्त कराने और बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात शावरी से होती है, जो उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर ले जाती है। वानर राजा सुग्रीव, उनके सहायक जंबवान अंगद और बजरंग के साथ वानर सेना की मदद से राघव बजरंग से लंका जाने और जानकी भी अपने अनंत लंका पहुंचने का विश्वास जगाने के लिए कहता है। वो लंका के लिए उड़ान भरता है और जानकी को उसके आसन्न बचाव के बारे में बताता है। हालांकि वो लंकेश के पुत्र इंद्रजीत द्वारा पकड़ लिया जाता है। आकाश महासागरों और समुद्रों के देवता वरुण की मदद से राघव और वानर सेना लंका तक समुद्र पार करने के लिए एक पुल बनाती है। राघव और उसकी सेना लंका के तट तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार करती है। इस बीच लंकेश के भाई विभीषण को लंका छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उसने जानकी का अपहरण करने के लंकेश के फैसले का विरोध किया था। विभीषण राघव की सेना में शामिल हो जाता है और उसका शपथ पूर्वक सहयोगी बन जाता है। लंकेश को जानकी को राघव के पास वापस लाने की अंतिम चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो इसे अस्वीकार कर देता है, जिससे झड़प का मार्ग प्रशस्त होता है। झड़प के दौरान इंद्रजीत द्वारा शेष को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है। हालांकि बजरंग द्वारा वापस लाए गए संजीव ने पर्वत की मदद से ये उसे पुनर्जीवित करने और उसका इलाज करने में सक्षम होते हैं। ये लंकेश के महल में युद्ध शुरू करते हैं। लंकेश के पास उपलब्ध उन्नत तोपखाने और हथियारों की वजह से कई वानर मारे गए। हालांकि राघव द्वारा बजरंग की मदद से हवाई सहायता प्रदान करने से स्थिति बदल जाती है। दूसरा हमला इंद्रजीत को मारने के लिए शेष विभीषण और अंगद के नेतृत्व में होता है। शेष इंद्रजीत पर हमला करता है, यद्यपि वो उसे चाकू मार देता है, फिर भी वो उसे सफलता
सफलतापूर्वक मार देता है। दोनों हमले लंकेश की सेना पर काबू पाने में सफल होते हैं। तीसरा हमला शुरू होता है जहां कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया जाता है। जब वो बजरंग पर काबू पा लेता है तो राघव और शेष उसे सफलतापूर्वक मार देते हैं। कोई अन्य विकल्प ना होने पर लंकेश युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का फैसला करता है। अंतिम लड़ाई होती है जहां राघव ये एहसास होने के बाद कि लंकेश को केवल दिन और रात के बीच में ही मारा जा सकता है, लंकेश को वश में करने और मारने में कामयाब हो जाता। राघव, शेष और जानकी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कौशल लौटते हैं, जहाँ राघव को अयोध्या का राजा बनाया जाता है और जानकी उनकी रानी बनती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में। हजारों साल पहले लंका के राक्षस राजा लंकेश ने सृष्टि के देवता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वो ना तो दिन में और ना ही रात में देवताओं या राक्षसों द्वारा मारा जा सकता है, जिससे वो अजय हो गया। दूसरी ओर कई वर्षों बाद अयोध्या राज्य में कौशल के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी राघव की सौतेली माँ से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने बेटे राघव को 14 साल के निर्वासित कर दिया कि उनका बेटा भरत सिंहासन पर बैठेगा। राघव निर्वासन स्वीकार करता है और अपनी पत्नी जानकी और भाई शेष के साथ गोदावरी नदी के पास पंचवटी के जंगलों में निर्जन स्थान के लिए निकल जाता है। लंकेश की बहन राक्षसी शूर्पणखा राघव को अपने साथ विवाह करने के लिए बहकाने की कोशिश करती है और जानकी की जान लेने का प्रयास करती है। अपनी बहन के अपमान के बारे में सुनकर वो राघव और शेष दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक गुर्गे को सुनहरे हिरण के वेश में भेजता है। शूर्पणखा से उसकी सुंदरता के बारे में सुनने के बाद लंकेश जानकी का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ता है। राघव और शेष जानकी को मुक्त कराने और बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात शावरी से होती है जो उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर ले जाती है। वानर राजा सुग्रीव उनके सहायक जंबवान अंगद और बजरंग के साथ वानर सेना की मदद से राघव बजरंग से लंका जाने और जानकी में अपने अनंत लंका पहुंचने का विश्वास जगाने के लिए कहता है। वो लंका के लिए उड़ान भरता है और जानकी को उसके आसन्न बचाव के बारे में बताता है। हालांकि वो लंकेश के पुत्र इंद्रजीत द्वारा पकड़ लिया जाता है। आकाश महासागरों और समुद्रों के देवता वरुण की मदद से राघव और वानर सेना लंका तक समुद्र पार करने के लिए एक पुल बनाती है। राघव और उसकी सेना लंका के तट तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार करती है। इस बीच लंकेश के भाई विभीषण को लंका छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि उसने जानकी का अपहरण करने के लंकेश के फैसले का विरोध किया था। विभीषण राघव की सेना में शामिल हो जाता है और उसका शपथ पूर्वक सहयोगी बन जाता है। लंकेश को जानकी को राघव के पास वापस लाने की अंतिम चेतावनी दी जाती है लेकिन वो इसे अस्वीकार कर देता है, जिससे झड़प का मार्ग प्रशस्त होता है। झड़प के दौरान इंद्रजीत द्वारा शेष को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है। हालांकि बजरंग द्वारा वापस लाए गए संजीवनी पर्वत की मदद से ये उसे पुनर्जीवित करने और उसका इलाज करने में सक्षम होते हैं। ये लंकेश के महल में युद्ध शुरू करते हैं। लंकेश के पास उपलब्ध उन्नत तोपखाने और हथियारों की वजह से कई वानर मारे गए। हालांकि राघव द्वारा बजरंग की मदद से हवाई सहायता प्रदान करने से स्थिति बदल जाती है। दूसरा हमला इंद्रजीत को मारने के लिए शेष विभीषण और अंगद के नेतृत्व में होता है। शेष इंद्रजीत पर हमला करता है, यद्यपि वो उसे चाकू मार देता है फिर भी वो उसे सफलतापूर्वक मार देता है। दोनों हमले लंकेश की सेना पर काबू पाने में सफल होते हैं। तीसरा हमला शुरू होता है जहां कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया जाता है। जब वो बजरंग पर काबू पा लेता है तो राघव और शेष उसे सफलतापूर्वक मार देते हैं।
कोई अन्य विकल्प ना होने पर लंकेश युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का फैसला करता है। अंतिम लड़ाई होती है जहां राघव ये एहसास होने के बाद कि लंकेश को केवल दिन और रात के बीच में ही मारा जा सकता है, लंकेश को वश में करने और मारने में कामयाब हो जाता। राघव शेष और जानकी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कौशल लौटते हैं, जहाँ राघव को अयोध्या का राजा बनाया जाता है और जानकी उनकी रानी बनती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में। हजारों साल पहले लंका के राक्षस राजा लंकेश ने सृष्टि के देवता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वो ना तो दिन में और ना ही रात में देवताओं या राक्षसों द्वारा मारा जा सकता है, जिससे वो अजय हो गया। दूसरी ओर कई वर्षों बाद अयोध्या राज्य में कौशल के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी राघव की सौतेली माँ से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने बेटे राघव को 14 साल के निर्वासित कर दिया कि उनका बेटा भरत सिंहासन पर बैठेगा। राघव निर्वासन स्वीकार करता है और अपनी पत्नी जानकी और भाई शेष के साथ गोदावरी नदी के पास पंचवटी के जंगलों में निर्जन स्थान के लिए निकल जाता है। लंकेश की बहन राक्षसी शूर्पणखा राघव को अपने साथ विवाह करने के लिए बहकाने की कोशिश करती है और जानकी की जान लेने का प्रयास करती है। अपनी बहन के अपमान के बारे में सुनकर वो राघव और शेष दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक गुर्गे को सुनहरे हिरण के वेश में भेजता है। शूर्पणखा से उसकी सुंदरता के बारे में सुनने के बाद लंकेश जानकी का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ता है। राघव और शेष जानकी को मुक्त कराने और बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात शावरी से होती है, जो उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर ले जाती है। वानर राजा सुग्रीव उनके सहायक जंबवान अंगद और बजरंग के साथ वानर सेना की मदद से राघव बजरंग से लंका जाने और जानकी भी अपने अनंत लंका पहुंचने का विश्वास जगाने के लिए कहता है। वो लंका के लिए उड़ान भरता है और जानकी को उसके आसन्न बचाव के बारे में बताता है। हालांकि वो लंकेश के पुत्र इंद्रजीत द्वारा पकड़ लिया जाता है। आकाश महासागरों और समुद्रों के देवता वरुण की मदद से राघव और वानर सेना लंका तक समुद्र पार करने के लिए एक पुल बनाती है। राघव और उसकी सेना लंका के तट तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार करती है। इस बीच लंकेश के भाई विभीषण को लंका छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उसने जानकी का अपहरण करने के लंकेश के फैसले का विरोध किया था। विभीषण राघव की सेना में शामिल हो जाता है और उसका शपथ पूर्वक सहयोगी बन जाता है। लंकेश को जानकी को राघव के पास वापस लाने की अंतिम चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो इसे अस्वीकार कर देता है, जिससे झड़प का मार्ग प्रशस्त होता है। झड़प के दौरान इंद्रजीत द्वारा शेष को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है। हालांकि बजरंग द्वारा वापस लाए गए संजीवनी पर्वत की मदद से ये उसे पुनर्जीवित करने और उसका इलाज करने में सक्षम होते हैं। ये लंकेश के महल में युद्ध शुरू करते हैं। लंकेश के पास उपलब्ध उन्नत तोपखाने और हथियारों की वजह से कई वानर मारे गए। हालांकि राघव द्वारा बजरंग की मदद से हवाई सहायता प्रदान करने से स्थिति बदल जाती है। दूसरा हमला इंद्रजीत को मारने के लिए शेष विभीषण और अंगद के नेतृत्व में होता है। शेष इंद्रजीत पर हमला करता है, यद्यपि वो उसे चाकू मार देता है, फिर भी वो उसे सफलतापूर्वक मार देता है। दोनों हमले लंकेश की सेना पर काबू पाने में सफल होते हैं। तीसरा हमला शुरू होता है, जहां कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया जाता है। जब वो बजरंग पर काबू पा लेता है तो राघव और शेष उसे सफलतापूर्वक मार देते हैं। कोई अन्य विकल्प ना होने पर लंकेश युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का फैसला करता है। अंतिम लड़ाई होती है जहां राघव ये एहसास होने के बाद कि लंकेश को केवल दिन और रात के बीच में ही मारा जा सकता है, लंकेश को वश में करने और मारने में कामयाब हो जाता। राघव शेष और जानकी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कौशल लौटते हैं,
जहां राघव को अयोध्या का राजा बनाया जाता है और जानकी उनकी रानी बनती है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में। हजारों साल पहले लंका के राक्षस राजा लंकेश ने सृष्टि के देवता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वो ना तो दिन में और ना ही रात में देवताओं या राक्षसों द्वारा मारा जा सकता है, जिससे वो अजय हो गया। दूसरी ओर कई वर्षों बाद अयोध्या राज्य में कौशल के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी राघव की सौतेली माँ से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने बेटे राघव को 14 साल के लिए निर्वासित कर दिया कि उनका बेटा भरत सिंहासन पर बैठेगा। राघव निर्वासन स्वीकार करता है और अपनी पत्नी जानकी और भाई शेष के साथ गोदावरी नदी के पास पंचवटी के जंगलों में निर्जन स्थान के लिए निकल जाता है। लंकेश की बहन राक्षसी शूर्पणखा राघव को अपने साथ विवाह करने के लिए बहकाने की कोशिश करती है और जानकी की जान लेने का प्रयास करती है। अपनी बहन के अपमान के बारे में सुनकर वो राघव और शेष दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक गुर्गे को सुनहरे हिरण के वेश में भेजता है। शूर्पणखा से उसकी सुंदरता के बारे में सुनने के बाद लंकेश जानकी का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ता है। राघव और शेष जानकी को मुक्त कराने और बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात शावरी से होती है, जो उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर ले जाती है। बाना राजा सुग्रीव उनके सहायक जंबवान अंगद और बजरंग के साथ वानर सेना की मदद से राघव बजरंग से लंका जाने और जानकी भी अपने अनंत लंका पहुंचने का विश्वास जगाने के लिए कहता है। वो लंका के लिए उड़ान भरता है और जानकी को उसके आसन्न बचाव के बारे में बताता है। हालांकि वो लंकेश के पुत्र इंद्रजीत द्वारा पकड़ लिया जाता है। आकाश महासागरों और समुद्रों के देवता वरुण की मदद से राघव और वानर सेना लंका तक समुद्र पार करने के लिए एक पुल बनाती है। राघव और उसकी सेना लंका के तट तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार करती है। इस बीच लंकेश के भाई विभीषण को लंका छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उसने जानकी का अपहरण करने के लंकेश के फैसले का विरोध किया था। विभीषण राघव की सेना में शामिल हो जाता है और उसका शपथ पूर्वक सहयोगी बन जाता है। लंकेश को जानकी को राघव के पास वापस लाने की अंतिम चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो इसे अस्वीकार कर देता है, जिससे झड़प का मार्ग प्रशस्त होता है। झड़प के दौरान इंद्रजीत द्वारा शेष को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है। हालांकि बजरंग द्वारा वापस लाए गए संजीवनी पर्वत की मदद से ये उसे पुनर्जीवित करने और उसका इलाज करने में सक्षम होते हैं। ये लंकेश के महल में युद्ध शुरू करते हैं। लंकेश के पास उपलब्ध उन्नत तोपखाने और हथियारों की वजह से कई वानर मारे गए। हालांकि राघव द्वारा बजरंग की मदद से हवाई सहायता प्रदान करने से स्थिति बदल जाती है। दूसरा हमला इंद्रजीत को मारने के लिए शेष विभीषण और अंगद के नेतृत्व में होता है। शेष इंद्रजीत पर हमला करता है, यद्यपि वो उसे चाकू मार देता है, फिर भी वो उसे सफलतापूर्वक मार देता है। दोनों हमले लंकेश की सेना पर काबू पाने में सफल होते हैं। तीसरा हमला शुरू होता है, जहां कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया जाता है। जब वो बजरंग पर काबू पा लेता है तो राघव और शेष उसे सफलतापूर्वक मार देते हैं। कोई अन्य विकल्प न होने पर लंकेश युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का फैसला करता है। अंतिम लड़ाई होती है, जहां राघव ये एहसास होने के बाद कि लंकेश को केवल दिन और रात के बीच में ही मारा जा सकता है, लंकेश को वश में करने और मारने में कामयाब हो जाता। राघव शेष और जानकी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कौशल लौटते हैं, जहाँ राघव को अयोध्या का राजा बनाया जाता है और जानकी उनकी रानी बनती है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में।
हजारों साल पहले लंका के राक्षस राजा लंकेश ने सृष्टि के देवता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वो ना तो दिन में और ना ही रात में देवताओं या राक्षसों द्वारा मारा जा सकता है, जिससे वो अजय हो गया। दूसरी ओर कई वर्षों बाद अयोध्या राज्य में कौशल के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी राघव की सौतेली माँ से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने बेटे राघव को 14 साल के निर्वासित कर दिया कि उनका बेटा भरत सिंहासन पर बैठेगा। राघव निर्वासन स्वीकार करता है और अपनी पत्नी जानकी और भाई शेष के साथ गोदावरी नदी के पास पंचवटी के जंगलों में निर्जन स्थान के लिए निकल जाता है। लंकेश की बहन राक्षसी शूर्पणखा राघव को अपने साथ विवाह करने के लिए बहकाने की कोशिश करती है और जानकी की जान लेने का प्रयास करती है। अपनी बहन के अपमान के बारे में सुनकर वो राघव और शेष दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक गुर्गे को सुनहरे हिरण के वेश में भेजता है। शूर्पणखा से उसकी सुंदरता के बारे में सुनने के बाद लंकेश जानकी का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ता है। राघव और शेष जानकी को मुक्त कराने और बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात शावरी से होती है जो उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर ले जाती है। वानर राजा सुग्रीव उनके सहायक जंबवान अंगद और बजरंग के साथ वानर सेना की मदद से राघव बजरंग से लंका जाने और जानकी भी अपने अनंत लंका पहुंचने का विश्वास जगाने के लिए कहता है। वो लंका के लिए उड़ान भरता है और जानकी को उसके आसन्न बचाव के बारे में बताता है। हालांकि वो लंकेश के पुत्र इंद्रजीत द्वारा पकड़ लिया जाता है। आकाश महासागरों और समुद्रों के देवता वरुण की मदद से राघव और वानर सेना लंका तक समुद्र पार करने के लिए एक पुल बनाती है। राघव और उसकी सेना लंका के तट तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार करती है। इस बीच लंकेश के भाई विभीषण को लंका छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि उसने जानकी का अपहरण करने के लंकेश के फैसले का विरोध किया था। विभीषण राघव की सेना में शामिल हो जाता है और उसका शपथ पूर्वक सहयोगी बन जाता है। लंकेश को जानकी को राघव के पास वापस लाने की अंतिम चेतावनी दी जाती है लेकिन वो इसे अस्वीकार कर देता है, जिससे झड़प का मार्ग प्रशस्त होता है। झड़प के दौरान इंद्रजीत द्वारा शेष को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है। हालांकि बजरंग द्वारा वापस लाए गए संजीवनी पर्वत की मदद से ये उसे पुनर्जीवित करने और उसका इलाज करने में सक्षम होते हैं। ये लंकेश के महल में युद्ध शुरू करते हैं। लंकेश के पास उपलब्ध उन्नत तोपखाने और हथियारों की वजह से कई वानर मारे गए। हालांकि राघव द्वारा बजरंग की मदद से हवाई सहायता प्रदान करने से स्थिति बदल जाती है। दूसरा हमला इंद्रजीत को मारने के लिए शेष विभीषण और अंगद के नेतृत्व में होता है। शेष इंद्रजीत पर हमला करता है, यद्यपि वो उसे चाकू मार देता है फिर भी वो उसे सफलतापूर्वक मार देता है। दोनों हमले लंकेश की सेना पर काबू पाने में सफल होते हैं। तीसरा हमला शुरू होता है जहां कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया जाता है। जब वो बजरंग पर काबू पा लेता है तो राघव और शेष उसे सफलतापूर्वक मार देते हैं। कोई अन्य विकल्प ना होने पर लंकेश युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का फैसला करता है। अंतिम लड़ाई होती है जहां राघव ये एहसास होने के बाद कि लंकेश को केवल दिन और रात के बीच में ही मारा जा सकता है, लंकेश को वश में करने और मारने में कामयाब हो जाता। राघव शेष और जानकी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कौशल लौटते हैं, जहाँ राघव को अयोध्या का राजा बनाया जाता है और जानकी उनकी रानी बनती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में। हजारों साल पहले लंका के राक्षस राजा लंकेश ने सृष्टि के देवता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वो ना तो दिन में और ना ही रात में देवताओं या राक्षसों द्वारा मारा जा सकता है, जिससे वो अजय हो गया। दूसरी ओर कई वर्षों बाद अयोध्या राज्य में कौशल के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी राघव की सौतेली माँ से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने बेटे राघव को 14 साल के निर्वासित कर दिया कि उनका बेटा
भरत सिंहासन पर बैठेगा। राघव निर्वासन स्वीकार करता है और अपनी पत्नी जानकी और भाई शेष के साथ गोदावरी नदी के पास पंचवटी के जंगलों में निर्जन स्थान के लिए निकल जाता है। लंकेश की बहन राक्षसी शूर्पणखा राघव को अपने साथ विवाह करने के लिए बहकाने की कोशिश करती है और जानकी की जान लेने का प्रयास करती है। अपनी बहन के अपमान के बारे में सुनकर वो राघव और शेष दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक गुर्गे को सुनहरे हिरण के वेश में भेजता है। शूर्पणखा से उसकी सुंदरता के बारे में सुनने के बाद लंकेश जानकी का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ता है। राघव और शेष जानकी को मुक्त कराने और बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात शावरी से होती है जो उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर ले जाती है। वानर राजा सुग्रीव उनके सहायक जंबवान अंगद और बजरंग के साथ वानर सेना की मदद से राघव बजरंग से लंका जाने और जानकी भी अपने अनंत लंका पहुंचने का विश्वास जगाने के लिए कहता है। वो लंका के लिए उड़ान भरता है और जानकी को उसके आसन्न बचाव के बारे में बताता है। हालांकि वो लंकेश के पुत्र इंद्रजीत द्वारा पकड़ लिया जाता है। आकाश महासागरों और समुद्रों के देवता वरुण की मदद से राघव और वानर सेना लंका तक समुद्र पार करने के लिए एक पुल बनाती है। राघव और उसकी सेना लंका के तट तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार करती है। इस बीच लंकेश के भाई विभीषण को लंका छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि उसने जानकी का अपहरण करने के लंकेश के फैसले का विरोध किया था। विभीषण राघव की सेना में शामिल हो जाता है और उसका शपथ पूर्वक सहयोगी बन जाता है। लंकेश को जानकी को राघव के पास वापस लाने की अंतिम चेतावनी दी जाती है लेकिन वो इसे अस्वीकार कर देता है जिससे झड़प का मार्ग प्रशस्त होता है। झड़प के दौरान इंद्रजीत द्वारा शेष को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है। हालांकि बजरंग द्वारा वापस लाए गए संजीव ने पर्वत की मदद से ये उसे पुनर्जीवित करने और उसका इलाज करने में सक्षम होते हैं। ये लंकेश के महल में युद्ध शुरू करते हैं। लंकेश के पास उपलब्ध उन्नत तोपखाने और हथियारों की वजह से कई वानर मारे गए। हालांकि राघव द्वारा बजरंग की मदद से हवाई सहायता प्रदान करने से स्थिति बदल जाती है। दूसरा हमला इंद्रजीत को मारने के लिए शेष विभीषण और अंगद के नेतृत्व में होता है। शेष इंद्रजीत पर हमला करता है यद्यपि वो उसे चाकू मार देता है फिर भी वो उसे सफलतापूर्वक मार देता है। दोनों हमले लंकेश की सेना पर काबू पाने में सफल होते हैं। तीसरा हमला शुरू होता है जहां कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया जाता है। जब वो बजरंग पर काबू पा लेता है तो राघव और शेष उसे सफलतापूर्वक मार देते हैं। कोई अन्य विकल्प ना होने पर लंकेश युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का फैसला करता है। अंतिम लड़ाई होती है जहां राघव ये एहसास होने के बाद कि लंकेश को केवल दिन और रात के बीच में ही मारा जा सकता है लंकेश को वश में करने और मारने में कामयाब हो जाता। राघव शेष और जानकी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कौशल लौटते हैं जहाँ राघव को अयोध्या का राजा बनाया जाता है और जानकी उनकी रानी बनती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में। हजारों साल पहले लंका के राक्षस राजा लंकेश ने सृष्टि के देवता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वो ना तो दिन में और ना ही रात में देवताओं या राक्षसों द्वारा मारा जा सकता है जिससे वो अजय हो गया। दूसरी ओर कई वर्षों बाद अयोध्या राज्य में कौशल के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी राघव की सौतेली माँ से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने बेटे राघव को 14 साल के निर्वासित कर दिया कि उनका बेटा भरत सिंहासन पर बैठेगा। राघव निर्वासन स्वीकार करता है और अपनी पत्नी जानकी और भाई शेष के साथ गोदावरी नदी के पास पंचवटी के जंगलों में निर्जन स्थान के लिए निकल जाता है। लंकेश की बहन राक्षसी शूर्पणखा राघव को अपने साथ विवाह करने के लिए बहकाने की कोशिश करती है और जानकी की जान लेने का प्रयास करती है। अपनी बहन के अपमान के बारे में सुनकर वो राघव
और शेष दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक गुर्गे को सुनहरे हिरण के वेश में भेजता है। शूर्पणखा से उसकी सुंदरता के बारे में सुनने के बाद लंकेश जानकी का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ता है। राघव और शेष जानकी को मुक्त कराने और बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात शावरी से होती है जो उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर ले जाती है। वानर राजा सुग्रीव उनके सहायक जंबवान अंगद और बजरंग के साथ वानर सेना की मदद से राघव बजरंग से लंका जाने और जानकी में अपने अनंत लंका पहुंचने का विश्वास जगाने के लिए कहता है। वो लंका के लिए उड़ान भरता है और जानकी को उसके आसन्न बचाव के बारे में बताता है। हालांकि वो लंकेश के पुत्र इंद्रजीत द्वारा पकड़ लिया जाता है। आकाश महासागरों और समुद्रों के देवता वरुण की मदद से राघव और वानर सेना लंका तक समुद्र पार करने के लिए एक पुल बनाती है। राघव और उसकी सेना लंका के तट तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार करती है। इस बीच लंकेश के भाई विभीषण को लंका छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि उसने जानकी का अपहरण करने के लंकेश के फैसले का विरोध किया था। विभीषण राघव की सेना में शामिल हो जाता है और उसका शपथ पूर्वक सहयोगी बन जाता है। लंकेश को जानकी को राघव के पास वापस लाने की अंतिम चेतावनी दी जाती है लेकिन वो इसे अस्वीकार कर देता है जिससे झड़प का मार्ग प्रशस्त होता है। झड़प के दौरान इंद्रजीत द्वारा शेष को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है। हालांकि बजरंग द्वारा वापस लाए गए संजीवनी पर्वत की मदद से ये उसे पुनर्जीवित करने और उसका इलाज करने में सक्षम होते हैं। ये लंकेश के महल में युद्ध शुरू करते हैं। लंकेश के पास उपलब्ध उन्नत तोपखाने और हथियारों की वजह से कई वानर मारे गए। हालांकि राघव द्वारा बजरंग की मदद से हवाई सहायता प्रदान करने से स्थिति बदल जाती है। दूसरा हमला इंद्रजीत को मारने के लिए शेष विभीषण और अंगद के नेतृत्व में होता है। शेष इंद्रजीत पर हमला करता है यद्यपि वो उसे चाकू मार देता है फिर भी वो उसे सफलतापूर्वक मार देता है। दोनों हमले लंकेश की सेना पर काबू पाने में सफल होते हैं। तीसरा हमला शुरू होता है जहां कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया जाता है। जब वो बजरंग पर काबू पा लेता है तो राघव शेष उसे सफलतापूर्वक मार देते हैं। कोई अन्य विकल्प ना होने पर लंकेश युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का फैसला करता है। अंतिम लड़ाई होती है जहां राघव ये एहसास होने के बाद कि लंकेश को केवल दिन और रात के बीच में ही मारा जा सकता है लंकेश को वश में करने और मारने में कामयाब हो जाता। राघव शेष और जानकी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कौशल लौटते हैं जहाँ राघव को अयोध्या का राजा बनाया जाता है और जानकी उनकी रानी बनती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में। हजारों साल पहले लंका के राक्षस राजा लंकेश ने सृष्टि के देवता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वो ना तो दिन में और ना ही रात में देवताओं या राक्षसों द्वारा मारा जा सकता है जिससे वो अजय हो गया। दूसरी ओर कई वर्षों बाद अयोध्या राज्य में कौशल के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी राघव की सौतेली माँ से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने बेटे राघव को 14 साल के लिए निर्वासित कर दिया कि उनका बेटा भरत सिंहासन पर बैठेगा। राघव निर्वासन स्वीकार करता है और अपनी पत्नी जानकी और भाई शेष के साथ गोदावरी नदी के पास पंचवटी के जंगलों में निर्जन स्थान के लिए निकल जाता है। लंकेश की बहन राक्षसी शूर्पणखा राघव को अपने साथ विवाह करने के लिए बहकाने की कोशिश करती है और जानकी की जान लेने का प्रयास करती है। अपनी बहन के अपमान के बारे में सुनकर वो राघव और शेष दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक गुर्गे को सुनहरे हिरण के वेश में भेजता है। शूर्पणखा से उसकी सुंदरता के बारे में सुनने के बाद लंकेश जानकी का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ता है। राघव और शेष जानकी को मुक्त कराने और बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात शावरी से होती है जो उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर ले जाती है। वानर राजा सुग्रीव उनके सहायक जंबवान अंगद और बजरंग के साथ
वानर सेना की मदद से राघव बजरंग से लंका जाने और जानकी भी अपने अनंत लंका पहुंचने का विश्वास जगाने के लिए कहता है। वो लंका के लिए उड़ान भरता है और जानकी को उसके आसन्न बचाव के बारे में बताता है। हालांकि वो लंकेश के पुत्र इंद्रजीत द्वारा पकड़ लिया जाता है। आकाश महासागरों और समुद्रों के देवता वरुण की मदद से राघव और वानर सेना लंका तक समुद्र पार करने के लिए एक पुल बनाती है। राघव और उसकी सेना लंका के तट तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार करती है। इस बीच लंकेश के भाई विभीषण को लंका छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि उसने जानकी का अपहरण करने के लंकेश के फैसले का विरोध किया था। विभीषण राघव की सेना में शामिल हो जाता है और उसका शपथ पूर्वक सहयोगी बन जाता है। लंकेश को जानकी को राघव के पास वापस लाने की अंतिम चेतावनी दी जाती है लेकिन वो इसे अस्वीकार कर देता है जिससे झड़प का मार्ग प्रशस्त होता है। झड़प के दौरान इंद्रजीत द्वारा शेष को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है। हालांकि बजरंग द्वारा वापस लाए गए संजीवनी पर्वत की मदद से ये उसे पुनर्जीवित करने और उसका इलाज करने में सक्षम होते हैं। ये लंकेश के महल में युद्ध शुरू करते हैं। लंकेश के पास उपलब्ध उन्नत तोपखाने और हथियारों की वजह से कई वानर मारे गए। हालांकि राघव द्वारा बजरंग की मदद से हवाई सहायता प्रदान करने से स्थिति बदल जाती है। दूसरा हमला इंद्रजीत को मारने के लिए शेष विभीषण और अंगद के नेतृत्व में होता है। शेष इंद्रजीत पर हमला करता है। यद्यपि वो उसे चाकू मार देता है फिर भी वो उसे सफलतापूर्वक मार देता है। दोनों हमले लंकेश की सेना पर काबू पाने में सफल होते हैं। तीसरा हमला शुरू होता है जहां कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया जाता है। जब वो बजरंग पर काबू पा लेता है तो राघव और शेष उसे सफलतापूर्वक मार देते हैं। कोई अन्य विकल्प न होने पर लंकेश युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का फैसला करता है। अंतिम लड़ाई होती है जहां राघव ये एहसास होने के बाद कि लंकेश को केवल दिन और रात के बीच में ही मारा जा सकता है लंकेश को वश में करने और मारने में कामयाब हो जाता। राघव शेष और जानकी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कौशल लौटते हैं जहाँ राघव को अयोध्या का राजा बनाया जाता है और जानकी उनकी रानी बनती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में। हजारों साल पहले लंका के राक्षस राजा लंकेश ने सृष्टि के देवता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वो ना तो दिन में और ना ही रात में देवताओं या राक्षसों द्वारा मारा जा सकता है जिससे वो अजय हो गया। दूसरी ओर कई वर्षों बाद अयोध्या राज्य में कौशल के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी राघव की सौतेली माँ से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने बेटे राघव को 14 साल के लिए निर्वासित कर दिया कि उनका बेटा भरत सिंहासन पर बैठेगा। राघव निर्वासन स्वीकार करता है और अपनी पत्नी जानकी और भाई शेष के साथ गोदावरी नदी के पास पंचवटी के जंगलों में निर्जन स्थान के लिए निकल जाता है। लंकेश की बहन राक्षसी शूर्पणखा राघव को अपने साथ विवाह करने के लिए बहकाने की कोशिश करती है और जानकी की जान लेने का प्रयास करती है। अपनी बहन के अपमान के बारे में सुनकर वो राघव और शेष दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक गुर्गे को सुनहरे हिरण के वेश में भेजता है। शूर्पणखा से उसकी सुंदरता के बारे में सुनने के बाद लंकेश जानकी का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ता है। राघव और शेष जानकी को मुक्त कराने और बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात शावरी से होती है जो उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर ले जाती है। वानर राजा सुग्रीव उनके सहायक जंबवान अंगद और बजरंग के साथ वानर सेना की मदद से राघव बजरंग से लंका जाने और जानकी भी अपने अनंत लंका पहुंचने का विश्वास जगाने के लिए कहता है। वो लंका के लिए उड़ान भरता है और जानकी को उसके आसन्न बचाव के बारे में बताता है। हालांकि वो लंकेश के पुत्र इंद्रजीत द्वारा पकड़ लिया जाता है। आकाश महासागरों और समुद्रों के देवता वरुण की मदद से राघव और वानर सेना लंका तक समुद्र पार करने के लिए एक पुल बनाती है।
राघावट उसकी सेना लंका के तट तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार करती है। इस बीच लंकेश के भाई विभीषण को लंका छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि उसने जानकी का अपहरण करने के लंकेश के फैसले का विरोध किया था। विभीषण राघव की सेना में शामिल हो जाता है और उसका शपथ पूर्वक सहयोगी बन जाता है। लंकेश को जानकी को राघव के पास वापस लाने की अंतिम चेतावनी दी जाती है लेकिन वो इसे अस्वीकार कर देता है जिससे झड़प का मार्ग प्रशस्त होता है। झड़प के दौरान इंद्रजीत द्वारा शेष को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है। हालांकि बजरंग द्वारा वापस लाए गए संजीव ने पर्वत की मदद से ये उसे पुनर्जीवित करने और उसका इलाज करने में सक्षम होते हैं। ये लंकेश के महल में युद्ध शुरू करते हैं। लंकेश के पास उपलब्ध उन्नत तोपखाने और हथियारों की वजह से कई वानर मारे गए। हालांकि राघव द्वारा बजरंग की मदद से हवाई सहायता प्रदान करने से स्थिति बदल जाती है। दूसरा हमला इंद्रजीत को मारने के लिए शेष विभीषण और अंगद के नेतृत्व में होता है। शेष इंद्रजीत पर हमला करता है यद्यपि वो उसे चाकू मार देता है फिर भी वो उसे सफलतापूर्वक मार देता है। दोनों हमले लंकेश की सेना पर काबू पाने में सफल होते हैं। तीसरा हमला शुरू होता है जहां कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया जाता है। जब वो बजरंग पर काबू पा लेता है तो राघव शेष उसे सफलतापूर्वक मार देते हैं। कोई अन्य विकल्प न होने पर लंकेश युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का फैसला करता है। अंतिम लड़ाई होती है जहां राघव ये एहसास होने के बाद कि लंकेश को केवल दिन और रात के बीच में ही मारा जा सकता है लंकेश को वश में करने और मारने में कामयाब हो जाता। राघव शेष और जानकी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कौशल लौटते हैं जहाँ राघव को अयोध्या का राजा बनाया जाता है और जानकी उनकी रानी बनती है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में। हजारों साल पहले लंका के राक्षस राजा लंकेश ने सृष्टि के देवता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वो ना तो दिन में और ना ही रात में देवताओं या राक्षसों द्वारा मारा जा सकता है जिससे वो अजय हो गया। दूसरी ओर कई वर्षों बाद अयोध्या राज्य में कौशल के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी राघव की सौतेली माँ से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने बेटे राघव को 14 साल के निर्वासित कर दिया कि उनका बेटा भरत सिंहासन पर बैठेगा। राघव निर्वासन स्वीकार करता है और अपनी पत्नी जानकी और भाई शेष के साथ गोदावरी नदी के पास पंचवटी के जंगलों में निर्जन स्थान के लिए निकल जाता है। लंकेश की बहन राक्षसी शूर्पणखा राघव को अपने साथ विवाह करने के लिए बहकाने की कोशिश करती है और जानकी की जान लेने का प्रयास करती है। अपनी बहन के अपमान के बारे में सुनकर वो राघव और शेष दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक गुर्गे को सुनहरे हिरण के वेश में भेजता है। शूर्पणखा से उसकी सुंदरता के बारे में सुनने के बाद लंकेश जानकी का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ता है। राघव और शेष जानकी को मुक्त कराने और बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात शावरी से होती है जो उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर ले जाती है। वानर राजा सुग्रीव उनके सहायक जंबवान अंगद और बजरंग के साथ वानर सेना की मदद से राघव बजरंग से लंका जाने और जानकी भी अपने अनंत लंका पहुंचने का विश्वास जगाने के लिए कहता है। वो लंका के लिए उड़ान भरता है और जानकी को उसके आसन्न बचाव के बारे में बताता है। हालांकि वो लंकेश के पुत्र इंद्रजीत द्वारा पकड़ लिया जाता है। आकाश महासागरों और समुद्रों के देवता वरुण की मदद से राघव और वानर सेना लंका तक समुद्र पार करने के लिए एक पुल बनाती है। राघव और उसकी सेना लंका के तट तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार करती है। इस बीच लंकेश के भाई विभीषण को लंका छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि उसने जानकी का अपहरण करने के लंकेश के फैसले का विरोध किया था। विभीषण राघव की सेना में शामिल हो जाता है और उसका
शपथ पूर्वक सहयोगी बन जाता है। लंकेश को जानकी को राघव के पास वापस लाने की अंतिम चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो इसे अस्वीकार कर देता है, जिससे झड़प का मार्ग प्रशस्त होता है। झड़प के दौरान इंद्रजीत द्वारा शेष को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है। हालांकि बजरंग द्वारा वापस लाए गए संजीव ने पर्वत की मदद से ये उसे पुनर्जीवित करने और उसका इलाज करने में सक्षम होते हैं। ये लंकेश के महल में युद्ध शुरू करते हैं। लंकेश के पास उपलब्ध उन्नत तोपखाने और हथियारों की वजह से कई वानर मारे गए। हालांकि राघव द्वारा बजरंग की मदद से हवाई सहायता प्रदान करने से स्थिति बदल जाती है। दूसरा हमला इंद्रजीत को मारने के लिए शेष, विभीषण और अंगद के नेतृत्व में होता है। शेष इंद्रजीत पर हमला करता है, यद्यपि वो उसे चाकू मार देता है, फिर भी वो उसे सफलतापूर्वक मार देता है। दोनों हमले लंकेश की सेना पर काबू पाने में सफल होते हैं। तीसरा हमला शुरू होता है, जहां कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया जाता है। जब वो बजरंग पर काबू पा लेता है तो राघव और शेष उसे सफलतापूर्वक मार देते हैं। कोई अन्य विकल्प ना होने पर लंकेश युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का फैसला करता है। अंतिम लड़ाई होती है, जहां राघव ये एहसास होने के बाद कि लंकेश को केवल दिन और रात के बीच में ही मारा जा सकता है, लंकेश को वश में करने और मारने में कामयाब हो जाता। राघव, शेष और जानकी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कौशल लौटते हैं, जहाँ राघव को अयोध्या का राजा बनाया जाता है और जानकी उनकी रानी बनती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। अशोक भाई कैसे हो? कैसे हो भाई? आइए सर, आइए। हेलो, इतने बड़े बड़े एक्टर देखे कभी तुमने? बहुत ही बड़े बड़े एक्टर हैं। आप दोनों अरबाज भाई अरशद भाई के साथ सोलो में राइट ना आपके सोलो एक सोलो आपके जो इंटरप्रेटर बनी मैम आइए सोलो आपका सोलो है देना बोलने का ना मेरे को ही बोलना लगा है बैठे हाँ थैंक यू ब्लैक डे हाँ तू बहुत तेरे को ब्लैक डे समझ रहे एक मिनट वेट वेट सर राइट ना आपके Thank you, ma'am. Thank you.
बाबा सिद्दीकी सर वॉज अ वेरी वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड एंड अ वेरी लव्ड पर्सन. उनके साथ हमेशा आप देखो ईद के टाइम पे पूरी इंडस्ट्री जमा होती थी, तो उनके जाने का बड़ा अफसोस हो रहा है. एंड यू नो वी हैव प्रेयर्स फॉर द फैमिली एंड यू नो वी आर ऑल अफेक्टेड बाय दिस इंसिडेंट एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट आई गेस वी आर ऑल काइंड ऑफ ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम दिस थिंग. जस्ट प्रेयर्स, दैट्स इट. प्रभाष की फिल्म आदि पुरुष देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में. हजारों साल पहले लंका के राक्षस राजा लंकेश ने सृष्टि के देवता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वो ना तो दिन में और ना ही रात में देवताओं या राक्षसों द्वारा मारा जा सकता है, जिससे वो अजय हो गया. दूसरी ओर कई वर्षों बाद अयोध्या राज्य में कौशल के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी राघव की सौतेली माँ से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने बेटे राघव को 14 साल के लिए निर्वासित कर दिया कि उनका बेटा भरत सिंहासन पर बैठेगा. राघव निर्वासन स्वीकार करता है और अपनी पत्नी जानकी और भाई शेष के साथ गोदावरी नदी के पास पंचवटी के जंगलों में निर्जन स्थान के लिए निकल जाता है. लंकेश की बहन राक्षसी शूर्पणखा राघव को अपने साथ विवाह करने के लिए बहकाने की कोशिश करती है और जानकी की जान लेने का प्रयास करती है. अपनी बहन के अपमान के बारे में सुनकर वो राघव और शेष दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक गुर्गे को सुनहरे हिरण के वेश में भेजता है. शूर्पणखा से उसकी सुंदरता के बारे में सुनने के बाद लंकेश जानकी का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ता है. राघव और शेष जानकी को मुक्त कराने और बचाने के लिए निकल पड़ते हैं. रास्ते में उनकी मुलाकात शावरी से होती है जो उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर ले जाती है. वानर राजा सुग्रीव उनके सहायक जंबवान अंगद और बजरंग के साथ वानर सेना की मदद से राघव बजरंग से लंका जाने और जानकी भी अपने अनंत लंका पहुंचने का विश्वास जगाने के लिए कहता है. वो लंका के लिए उड़ान भरता है और जानकी को उसके आसन्न बचाव के बारे में बताता है. हालांकि वो लंकेश के पुत्र इंद्रजीत द्वारा पकड़ लिया जाता है. आकाश महासागरों और समुद्रों के देवता वरुण की मदद से राघव और वानर सेना लंका तक समुद्र पार करने के लिए एक पुल बनाती है. राघव और उसकी सेना लंका के तट तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार करती है. इस बीच लंकेश के भाई विभीषण को लंका छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि उसने जानकी का अपहरण करने के लंकेश के फैसले का विरोध किया था. विभीषण राघव की सेना में शामिल हो जाता है और उसका शपथ पूर्वक सहयोगी बन जाता है. लंकेश को जानकी को राघव के पास वापस लाने की अंतिम चेतावनी दी जाती है लेकिन वो इसे अस्वीकार कर देता है जिससे झड़प का मार्ग प्रशस्त होता है. झड़प के दौरान इंद्रजीत द्वारा शेष को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है. हालांकि बजरंग द्वारा वापस लाए गए संजीवनी पर्वत की मदद से ये उसे पुनर्जीवित करने और उसका इलाज करने में सक्षम होते हैं. ये लंकेश के महल में युद्ध शुरू करते हैं. लंकेश के पास उपलब्ध उन्नत तोपखाने और हथियारों की वजह से कई वानर मारे गए. हालांकि राघव द्वारा बजरंग की मदद से हवाई सहायता प्रदान करने से स्थिति बदल जाती है. दूसरा हमला इंद्रजीत को मारने के लिए शेष विभीषण और अंगद के नेतृत्व में होता है. शेष इंद्रजीत पर हमला करता है. यद्यपि वो उसे चाकू मार देता है फिर भी वो उसे सफलतापूर्वक मार देता है. दोनों हमले लंकेश की सेना पर काबू पाने में सफल होते हैं. तीसरा हमला शुरू होता है जहां कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया जाता है. जब वो बजरंग पर काबू पा लेता है तो राघव शेष उसे सफलतापूर्वक मार देते हैं. कोई अन्य विकल्प ना होने पर लंकेश युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का फैसला करता है. अंतिम लड़ाई होती है जहां राघव ये एहसास होने के बाद कि लंकेश को केवल दिन और रात के बीच में ही मारा जा सकता है लंकेश को वश में करने और मारने में कामयाब हो जाता. राघव शेष और जानकी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कौशल लौटते हैं.
जहां राघव को अयोध्या का राजा बनाया जाता है और जानकी उनकी रानी बनती है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में। हजारों साल पहले लंका के राक्षस राजा लंकेश ने सृष्टि के देवता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वो ना तो दिन में और ना ही रात में देवताओं या राक्षसों द्वारा मारा जा सकता है, जिससे वो अजय हो गया। दूसरी ओर कई वर्षों बाद अयोध्या राज्य में कौशल के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी राघव की सौतेली माँ से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने बेटे राघव को 14 साल के लिए निर्वासित कर दिया कि उनका बेटा भरत सिंहासन पर बैठेगा। राघव निर्वासन स्वीकार करता है और अपनी पत्नी जानकी और भाई शेष के साथ गोदावरी नदी के पास पंचवटी के जंगलों में निर्जन स्थान के लिए निकल जाता है। लंकेश की बहन राक्षसी शूर्पणखा राघव को अपने साथ विवाह करने के लिए बहकाने की कोशिश करती है और जानकी की जान लेने का प्रयास करती है। अपनी बहन के अपमान के बारे में सुनकर वो राघव और शेष दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक गुर्गे को सुनहरे हिरण के वेश में भेजता है। शूर्पणखा से उसकी सुंदरता के बारे में सुनने के बाद लंकेश जानकी का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ता है। राघव और शेष जानकी को मुक्त कराने और बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात शावरी से होती है, जो उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर ले जाती है। वानर राजा सुग्रीव उनके सहायक जंबवान अंगद और बजरंग के साथ वानर सेना की मदद से राघव बजरंग से लंका जाने और जानकी भी अपने अनंत लंका पहुंचने का विश्वास जगाने के लिए कहता है। वो लंका के लिए उड़ान भरता है और जानकी को उसके आसन्न बचाव के बारे में बताता है। हालांकि वो लंकेश के पुत्र इंद्रजीत द्वारा पकड़ लिया जाता है। आकाश महासागरों और समुद्रों के देवता वरुण की मदद से राघव और वानर सेना लंका तक समुद्र पार करने के लिए एक पुल बनाती है। राघव और उसकी सेना लंका के तट तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार करती है। इस बीच लंकेश के भाई विभीषण को लंका छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उसने जानकी का अपहरण करने के लंकेश के फैसले का विरोध किया था। विभीषण राघव की सेना में शामिल हो जाता है और उसका शपथ पूर्वक सहयोगी बन जाता है। लंकेश को जानकी को राघव के पास वापस लाने की अंतिम चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो इसे अस्वीकार कर देता है, जिससे झड़प का मार्ग प्रशस्त होता है। झड़प के दौरान इंद्रजीत द्वारा शेष को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है। हालांकि बजरंग द्वारा वापस लाए गए संजीवनी पर्वत की मदद से ये उसे पुनर्जीवित करने और उसका इलाज करने में सक्षम होते हैं। ये लंकेश के महल में युद्ध शुरू करते हैं। लंकेश के पास उपलब्ध उन्नत तोपखाने और हथियारों की वजह से कई वानर मारे गए। हालांकि राघव द्वारा बजरंग की मदद से हवाई सहायता प्रदान करने से स्थिति बदल जाती है। दूसरा हमला इंद्रजीत को मारने के लिए शेष विभीषण और अंगद के नेतृत्व में होता है। शेष इंद्रजीत पर हमला करता है, यद्यपि वो उसे चाकू मार देता है, फिर भी वो उसे सफलतापूर्वक मार देता है। दोनों हमले लंकेश की सेना पर काबू पाने में सफल होते हैं। तीसरा हमला शुरू होता है, जहां कुंभकर्ण को उसकी गहरी नींद से जगाया जाता है। जब वो बजरंग पर काबू पा लेता है तो राघव और शेष उसे सफलतापूर्वक मार देते हैं। कोई अन्य विकल्प न होने पर लंकेश युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का फैसला करता है। अंतिम लड़ाई होती है, जहां राघव ये एहसास होने के बाद कि लंकेश को केवल दिन और रात के बीच में ही मारा जा सकता है, लंकेश को वश में करने और मारने में कामयाब हो जाता। राघव शेष और जानकी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कौशल लौटते हैं, जहाँ राघव को अयोध्या का राजा बनाया जाता है और जानकी उनकी रानी बनती है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे इन प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं।